私？私？आओ अनुज। ये बाण विश्व में किसके लिए बुझाए जा रहे हैं? उस महायोद्धा के कई नाम हैं अनुज। देवव्रत, गंगापुत्र, भीष्म, मेरी आत्मा के माथे पर अपमान का हस्ताक्षर। उनका वध तो आपकी ओर से मैं करूंगा प्रताश्री, मैं करूंगा। नहीं अनुज, अपमान का प्रतिशोध तो स्वयं ही लेना पड़ता है, वो मेरा ऋणी है। मैं हर क्षण के साथ अपने अपमान की पूरी कहानी जीता हूं। काशी की राजकुमारी अंबा के स्वयंवर का वो दिन और उस दिन के पश्चात बीतने वाला कोई दिन भी अभी तक बीता नहीं है, लगातार बीत रहा है, लगातार बीत रहा है। मैं आंखें बंद करता हूं तो काशी की वो सभा मेरे सामने राक्षसी की भांति हाथ उठा उठा कर हंसने लगती है और मेरी छाती पर मेरे अपमान का फैताल नृत्य करने लगता है। सारी राज्यसभा वीरों महावीरों से भरी हुई है कि एक व्यक्ति के आने से सारे होंठों की मुस्कान मुरझा जाती है। गंगा पुत्र भीष्म पधार रहे हैं। लगता है भीष्म प्रतिज्ञा राजकुमारियों की सुंदरता के सागर में डूब गई। प्रतिज्ञा भी कांच की रही होगी। सावधान! इस स्वयंवर में मैं हस्तिनापुर नरेश महाराज विचित्र वीरी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। काशी राजकुमारियां शताब्दियों से कुरु वंशियों में विवाह के लिए जाती रही हैं, आज भी यही होगा। मैं इन तीनों राजकुमारियों को अपने छोटे भाई विचित्र वीरी की रानियां बनाने के लिए ले जा रहा हूं। राजकुमारियों का स्वयंवर रचाकर आपने जो हस्तिनापुर का अपमान किया है, मैं उसके लिए आपको क्षमा करता हूं। परंतु राजकुमारियों को अपना वर चुनने का अधिकार है भीष्म। इन राजकुमारियों को यह अधिकार नहीं है शालवराज, और यदि है तो मेरे सिवा और कोई स्वयंवर सभा में बैठने योग्य नहीं। भीष्म, अपनी जुबान को लगाम दो। मैं केवल घोड़ों को लगाम देता हूं। और शालराज, तुम यदि मुझसे जीवन दान पाकर न जी रहे होते तो भरी सभा में इस प्रकार मेरी बात काटने का कड़ा दंड देता तुम्हें। मैं इस बड़े दरबार में घोषणा करता हूं कि मैं राजकुमारियों को लेने आया हूं और ले जा रहा हूं। क्या कोई भीष्म को रोकना चाहता है? रोकना चाहता है भीष्म को? राजकुमारियों को जाने की आज्ञा दीजिए काशी नरेश।
भीष्म। सारथी रथ घुमाओ। शाल्वराज? हाँ मैं शाल्व। मेरे पास बाणों की कमी नहीं है शाल्वराज, पर दिया हुआ जीवन में वापस लेना नहीं चाहता, इसलिए एक बार फिर क्षमा करता हूं। सारथी हस्तिनापुर चलो। क्या मैं एक विनती कर सकती हूँ राजमाता? केवल माँ कहो अम्बा। परंतु मेरी विनती तो राजमाता से है। आज्ञा है। परमवीर गंगापुत्र भीष्म के आने से पहले ही मैं मन ही मन शाल्व नरेश को अपना पति मान चुकी थी राजमाता। तो तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं राजकुमारी? भय गंगापुत्र, आपका भय। तब तो विचित्र वीर का विवाह अम्बा से नहीं हो सकता माते। तुमने ठीक कहा भीष्म। तुम निश्चिंत रहो राजकुमारी, तुम्हें आदर के साथ शाल भिजवाने का प्रबंध किया जाएगा। भीष्म से कह देना हम हारी हुई वस्तु दान में स्वीकार नहीं करते, और उनसे ये भी कह देना कि राजकुमारी को यहाँ भेजकर उन्होंने हमारा अपमान किया है। मेरा अपमान किया है गंगा पुत्र भीष्म ने? नहीं मुझे शाल नरेश के पास भेजते और ना ही मेरा इतना बड़ा अपमान होता। इसलिए गंगापुत्र भीष्म को आदेश हो कि ये अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। महाराज की जय हो, परंतु मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ महाराज, मैं विवाह कर ही नहीं सकता। विवाह नहीं कर सकते तो काशी से यहाँ लाए क्यों? मैंने तो काशी दरबार में ये घोषणा कर दी थी कि मैं केवल हस्तिनापुर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मेरा हरण ऐसे समय में किया गया था महाराज, जब मेरे हाथ में वरमाला थी। मेरी बहनों ने आपको स्वीकार किया, परंतु मैं आपको स्वीकार नहीं करती। अब मैं वो माला गंगापुत्र भीष्म के गले में डालना चाहती हूँ। यह संभव नहीं है देवी। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि मैंने ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की है। घायल नागिन, घायल शेरनी और अपमानित स्त्री से डरना सीखो गंगा पुत्र। तुम वचनबद्ध हो, इसलिए मेरे अपमान के घाव पर मान का फाया नहीं लगा सकते। तो आज इसी कुरुराज दरबार में हस्तनापुर नरेश को साक्षी मानते हुए मैं भी प्रतिज्ञाबद्ध होती हूँ। गंगा पुत्र भीष्म, मैं तुम्हें अपने अपमान के लिए कभी क्षमा नहीं करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जन पर जन क्यों न लेने पड़े। तुम्हारी मृत्यु का कारण बनकर मैं अपने इस अपमान का बदला अवश्य लूंगी। अम्बा अपने अपमान का नरक अपने आंचल में लिए हुए तपस्वियों के एक आश्रम में पहुंची। तपस्वियों ने उसकी कथा सुनने के पश्चात उससे कहा कि स्त्री के केवल दो ही आश्रय हैं, पति या पिता। अम्बा ने कहा कि प्रश्न आश्रय का नहीं है, प्रश्न है अपमान और उसके भुगतान का। अम्बा आश्रय की खोज में नहीं थी, वो तो प्रतिशोध के मार्ग की यात्री थी। हम बड़े विचित्र समाज में जी रहे हैं अनुज, नारी के मान अपमान पर भी पुरुषों का अधिकार है।
ना उसका अपना व्यक्तिगत मान है ना अपमान, परंतु अंबा के लिए स्वीकारणीय नहीं था। अपमान तो उसका हुआ था, तो उसके प्रति शोध पर भी केवल उसी का अधिकार था। तो उसने तपस्वियों से कहा, हे मुनिगण, मैं अब काशी तो नहीं जा सकती, वहां मुझे बंधु बांधवों का तिरस्कार स्वीकार करना पड़ेगा। मैं शाल्व के पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि वे मुझे पहले ही अस्वीकार कर चुके हैं। मेरे लिए तो केवल एक ही मार्ग खुला रह गया है, और वो मार्ग है तपस्या का। है राजकन्या, तपस्या का मार्ग सरल नहीं है। जानती हूँ, किंतु कोई और मार्ग खुला ही ना हो तो उसी मार्ग पर चलना पड़ेगा ना, जो खुला हुआ है, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो। हे मुनिवर, तप का मार्ग अपमान को सहन करने के मार्ग से अधिक कठिन तो नहीं हो सकता ना? किंतु पुत्री, वो है परम तपस्वी राजर्षि होत्रवाहन, आपका हार्दिक स्वागत है। स्थान ग्रहण कीजिए। मुनिगण कुछ चिंतित लग रहे हैं। समस्या कुछ गंभीर है। यह काशी की राजकुमारी अंबा हैं। अंबा की कथा सुनकर राजर्षि होत्रवाहन सन्नाटे में आ गए और बोले, हे पुत्री, मैं तेरे जन्म से पहले ही तपोवन चला गया था, इसलिए तू मुझे नहीं जानती। मैं तेरा नाना हूं। तू अपने पिता के घर न जा, तू परशुराम जी के पास चली जा, वे ही तेरे शोक और संताप का उपचार कर सकते हैं। वे कहाँ मिलेंगे ऋषिवर? महेंद्र पर्वत पर जा पुत्री, वे मेरे बाल सखा और सहपाठी हैं। आयुष्मान भव। आसन ग्रहण कीजिए ऋषिवर। हे ब्रह्म ऋषि, ये मेरी ध्योती अंबा है, मैं इसे आप ही के पास भेज रहा था कि इसके दुख का उपचार यदि किसी के पास है तो वे आप ही हैं। आयुष्मान भव, क्या समस्या है पुत्री? गंगा पुत्र भीष्म ने इसका अपमान किया है, इसका हरण किया, फिर इसे स्वीकार करने से नकार दिया है। ऋषिवर, यदि ऐसा है तो भीष्म को इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा।